I welcome you all again in our next class. Students, as you know, we have finished our chapter number 4. Today we are going to start our new chapter, that is our chapter number 5, Natural Resources. So before starting our chapter, now let's know the introduction of this chapter. So here is the introduction. In this chapter, we are going to know about natural resources. इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत. उसके बाद हम जानेंगे इट्स टाइप्स, यूजेस, इम्पोर्टेंस एंड हाउ कैन बी कंजर्व इट. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने के बाद हम उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, उसके क्या क्या यूज होते हैं, हमारी लाइफ में नेचुरल रिसोर्सेज की क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व या प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Okay, now students, what is natural resources? Resources given to us by nature are known as natural resources. ऐसे कोई भी स्रोत जो हमें नेचर के द्वारा दिए गए हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. लाइक एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमें नेचर ने दी हैं. सो दीज ऑल आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ स्टूडेंट्स, वॉट इज रिसोर्सेज? रिसोर्स या स्रोत किसे कहते हैं? एंड अवेलेबल मीन्स, किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास जो उपलब्ध साधन होता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कहीं जाना है या हमें कहीं ट्रेवल करना है, तो ट्रेवल करने के लिए जिस भी मीन्स का हम यूज करेंगे उसे हम ट्रेवल करने के लिए रिसोर्स के रूप में जानेंगे. तो ट्रेवल करने के लिए हम कार, बाइक, बस, ट्रेन, इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द रिसोर्सेज. ठीक है, ट्रेवलिंग के लिए ये सारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. टेक योर बुक, ओपन योर चैप्टर नंबर 5, नेचुरल रिसोर्सेज, पेज नंबर 27. नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज गिवन टू अस बाय नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक स्रोत हमें नेचर या प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं. वी गेट देम फ्रॉम द अर्थ एंड द एनवायरमेंट अराउंड अस. ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें अर्थ के द्वारा या हमारे चारों तरफ का जो एनवायरमेंट, वातावरण, पर्यावरण है उससे मिला है. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल अराउंड अस. नेचुरल रिसोर्सेज हमारे चारों तरफ हैं. दे आर द एयर वी ब्रीथ, द लैंड वी वॉक ऑन, द वॉटर वी ड्रिंक, द प्लांट्स वी एंजॉय, द विंड दैट ब्लोज, द एनिमल लाइफ सराउंडिंग अस एंड द सन दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट. स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे चारों तरफ हैं उनमें से कुछ हैं एयर, जो कि हम ब्रीथ करने के लिए यूज करते हैं, लैंड जिस पर हम चलते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वाटर पानी जिसे हम पीते हैं और अपने डेली लाइफ के कामों के लिए यूज करते हैं, प्लांट्स वी एंजॉय, प्लांट्स जिन्हें देखकर हमें बहुत एंजॉयमेंट फील होता है, द विंड दैट ब्लोज, हवा जब चलती है तो हमें उसको महसूस करते हैं हम उस हवा को और हमें अच्छा फील होता है, द एनिमल्स लाइफ सराउंडिंग अस एंड द सन दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट. हमारे चारों तरफ के जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो लाइफ है ये भी नेचुरल रिसोर्स हैं और इनके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है सन, जो कि हमें हीट और लाइट देता है. तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये ह्यूमन मेड नहीं है, ये नेचर के द्वारा हमें दिए गए हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ. स्टूडेंट्स, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है. दे आर यूज बाय अस टू फुलफिल अवर डेली नीड्स. हम इन नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक स्रोतों का यूज करके अपनी डेली नीड्स को पूरा करते हैं या हमारे दिन भर की जितनी भी जरूरतें होती हैं उनमें हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और उनको पूरा करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन. नेचुरल रिसोर्सेज को हम किसी भी राष्ट्र की संपत्ति या संपदा के रूप में जान सकते हैं. मेनी कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर रिसोर्सेज एंड हैव बिकम रिच एंड प्रॉस्परस. स्टूडेंट्स, हर कंट्री में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज को और भी ज्यादा डेवलप या विकसित किया है और जिसकी वजह से वो बहुत रिच, अमीर या प्रॉस्परस, समृद्ध हुए हैं. सम कंट्रीज आर पुअर एंड बैकवर्ड एज दे डू नॉट हैव हाउ टू यूज एंड मेक देम यूजफुल एंड वैल्यूएबल. कुछ देश या कंट्रीज ऐसे भी हैं जो कि पिछड़े हुए हैं या गरीब देश है. वो इसीलिए है क्योंकि उनके कंट्री में जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको या तो वो प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे या तो उनको पता ही नहीं है कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से वो प्रॉपरली यूज करे और अपनी नेशन की वेल्थ को बढ़ाने में उसकी हेल्प ले. व्हेन एनी कंट्री डज नॉट हैव अ सर्टेन रिसोर्स दे नीड, दे कैन ट्रेड विद अनदर कंट्री टू गेट द रिसोर्स.
जब किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज जिसकी उन्हें जरूरत है वो उपलब्ध नहीं होता है, तो वो दूसरी कंट्री जहाँ पर वो नेचुरल रिसोर्स बहुत अधिक मात्रा में है वहां से उसका ट्रेड या व्यापार करता है। तो इस तरह से जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज में ज्यादा होते हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेल या बेच करके भी अपनी कंट्री के लिए वेल्थ बनाते हैं। तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्स हमारी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी कंट्री के प्रॉस्पेरिटी में भी नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। नाउ हियर वी हैव अ फिल इन द ब्लैंक्स। नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन। ओके, वेल्थ ऑफ अ नेशन, फिल इन द ब्लैंक्स में अब वेल्थ ऑफ अ नेशन फिल करेंगे। नाउ लेट्स नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इन रिसोर्सेज का हम किस तरह से वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को अंडरलाइन करिए और लिखिए रिसोर्सेज या स्रोतों का वर्गीकरण। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, हमारे चारों तरफ जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो मुख्यतः दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वन दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल, री का मतलब दोबारा, न्यू का मतलब नया, एबल का मतलब बनने योग्य। ओके, तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो ऑटोमेटिकली अपने आप दोबारा बन जाते हैं, जल्दी जल्दी बन जाते हैं, जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं, वो जल्दी खत्म नहीं होते या खत्म ही नहीं होते हैं, वो जैसे ही हम उनका यूज करते हैं वो अगेन एंड अगेन बनते रहते हैं। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। दे आर इनएग्जॉस्टेबल, ये असीमित होते हैं, ये खत्म नहीं हो सकते। सम एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर विंड, सनलाइट एंड वाटर। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ उदाहरण हैं विंड, सनलाइट एंड वाटर। स्टूडेंट्स, हम चाहे जितना सनलाइट का यूज करें, सनलाइट खत्म नहीं होती, वो जल्दी जल्दी बनती रहती है। इसी तरह हम वाटर का भी यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, फिर भी हम जितना भी वाटर का यूज करते हैं वाटर क्या होता है, बनता रहता है। इसी तरह विंड होती है, विंड को हम जितना भी यूज कर ले विंड क्या नहीं होती, खत्म नहीं होती। ठीक है, सो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो अगेन एंड अगेन जिनका हम यूज करते हैं और वो जल्दी जल्दी बनते रहते हैं, इन्हें हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वंस दैट डू नॉट ग्रो और कम बैक। स्टूडेंट्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो ग्रो नहीं होते या जल्दी से बनते नहीं है, या अगर वो एक बार खत्म हो जाएंगे तो वो दोबारा हमको नहीं मिलेंगे। वंस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज अप, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्लेस देम। स्टूडेंट्स, अगर एक बार हम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर लेते हैं तो या तो वो दोबारा बनते ही नहीं है या उनको बनने में 1000 times का समय लग जाता है। तो इसी तरह जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे चारों तरफ है उनका यूज हम वाइजली करें। ठीक है, और जितना जरूरत हो केवल उतना ही उनका यूज करें। दे आर ऑल एग्जॉस्टेबल एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं और ये जल्दी रिप्लेस नहीं होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑयल, कोल, कॉपर, डायमंड, नेचुरल गैस, मिनरल्स, आयरन ओर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड रॉक्स। स्टूडेंट्स, कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के उदाहरण हैं ऑयल, कोल, कॉपर, डायमंड, नेचुरल गैस, मिनरल्स, आयरन ओर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड रॉक्स। फॉसिल फ्यूल इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल या जिसे हम हिंदी में जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ये भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का उदाहरण है। दाउ इट कैन बी रिप्लेस। स्टूडेंट्स, वैसे ये फॉसिल फ्यूल्स यदि जीवाश्म ईंधन जो है वो रिप्लेस हो सकता है। इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड एंड प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, ये जो फॉसिल फ्यूल है ये डेड एंड डीके, ठीक है, ये डेड एंड डीके मतलब मरे हुए सड़े गले जीवाश्मों से या जीवों के जो अंश होते हैं उससे बनता है, इसीलिए इन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ओके, नाउ वी हैव अनदर फिल इन द ब्लैंक। रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, हियर यू हैव टू राइट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज इनफ फॉर टूडे। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके।